ये भी हाफ स्टीम है, इसके बाद फुल स्टीम होगा, सारा स्टीम हो जाएगा ना हाफ स्टीम, उसके बाद लास्ट एक फाइनल स्टीम होगा सारा को। तो ये देखो गाइस अरारोट पाउडर है, दूध मत समझना, मिल्क। और अभी ये वाली छेक में डालने वाला है। अभी मोमोज रेडी हो चुका है और फिर ट्राई कर रहा है राहुल, मंटू और विशाल। कैसा कैसा टेस्ट है भाई, कैसा टेस्ट है मंटू? सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं एक और फिर से फील्ड अपना बगीचा के बाजू में, क्योंकि यार काफ़ी मौसम ना काफ़ी मस्त वाला हो रखा है, लाइक बोले तो बारिश भी हो रहा है प्लस बादल वादल है, हवा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश चल रहा है, धूप कुछ भी नहीं है गाइज, थोड़ा बहुत धूप था वो भी गायब हो चुका है। तो इस मौसम में ना गाइज काफ़ी मस्त सा सीन लग रहा है। और फिर अपने को ना जो बारिश का मौसम होती है ना उसमें बहुत लोग को ना कुछ खाने पीने का मन करता है, तो मेरे को भी मन कर रहा है गाइज कि आज अपन लोग समोसा खाएं या फिर कुछ भी खाएं। समोसा खाने का काफ़ी ज़्यादा इच्छा हो रहा है गाइज। और फिर मोमोज तो काफ़ी दिन से बोल रहे थे गाइज मोमोज खाएंगे, दिल्ली में खाए ना उसके बाद कभी खाए नहीं फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का मोमोज ना मेरे को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी अपन लोग सोच रहे यार बाज़ार चलते हैं और फिर वहाँ पे मोमोज या समोसा खाते हैं, बट जाने में भी काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा प्लस पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा। तो मेरे को बहुत पहले से ही मंटू बोल रहा है कि समोसा बनाओ या मोमोज बनाओ, लेकिन कुछ ही बनाओ। तो अभी अपन लोग पहले चलते हैं गाइस, उन लोग से बातचीत करते हैं, उन लोग में क्या चीज़ में रेडी होता है तो वही अपन लोग बना के देखते हैं गाइस, और फिर टेस्ट करते हैं अपन लोग कैसा बनाते हैं और फिर कितना अच्छा बनता है। तो अभी देखते हैं, पहले बातचीत करके कॉल वॉल करते हैं और फिर देखते हैं क्या बोलता है वो लोग। सो गाइस मंटू को मोमोज खाने का मन कर रहा है, कॉल किए ना अभी तो वो अभी मार्केट में बोल रहा है मोमोज लेके आऊँ, बट मैंने बोला यार मोमोज नहीं लेके नहीं आओ, आज अपन लोग बनाने का ट्राई करते हैं क्योंकि अपने को खानी भी है। प्लस एक बारी ना एक लड़का है जो कि दिल्ली में वो बेचारा मोमोज ही बेचता है, दोस्त है अपना गाँव का, तो मोमोज बनाता है, उसको बनाना आता है। तो आज अपन लोग सोच रहे हैं ना आज अपन लोग भी बनाने के लिए सीख ले गाइज कैसे बनता है मोमोज, और फिर टेस्टी मोमोज चिकन मोमोज आज बनाने का कोशिश करते हैं गाइज। और फिर उसमें जो भी रेसिपी लगती है ना, लाइक चिकन और भी बहुत कुछ लगती है ना, बला 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 कुछ भी, उसको अपन लोग पहले लाते हैं और फिर उसके बाद अपन लोग सामान तैयार करते हैं और फिर बनाते हैं गाइज। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं घर की ओर, घर से अपन लोग बाइक निकालेंगे और फिर सारा सामान लाएंगे, क्योंकि चिकन को कीमा बनाना पड़ेगा गाइज, काफ़ी छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करवाना पड़ेगा, उसको कटवाना पड़ेगा, उसके बाद सारा कुछ मसाला वसाला जो भी होता है ना वो मिक्स होता है। तो अभी अपन लोग चलते हैं विशाल से मिलते हैं, उसी का शॉप है मोमोज का दिल्ली में, तो वही सारा कुछ बताएगा और फिर अपन लोग सामान लाएंगे, मटेरियल मिक्स करेंगे और बनाएंगे और फिर आप लोगों के सामने बनाएंगे गाइज, और फिर आप लोगों के सामने टेस्ट करेंगे और फिर आप लोग कमेंट करके बताना गाइज कैसा लगेगा आप लोग को। तो गाइज वीडियो में कहीं मत जाना क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है ना काफ़ी मस्त होने वाला है गाइज, क्योंकि मोमोज एक तो पहली बात बनाना कितना ही मस्त होता है गाइज, मतलब मेहनत लगता है, तो आप लोग बनाने के लिए भी सीख जाओगे गाइज देख के कैसे अपन लोग मोमोज बनाते हैं, प्लस टेस्टी मोमोज होगा या फिर नहीं होगा तो गाइज वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी पहले मार्केट चलते गाइज, उसके बाद मोमोज बनाते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं गाइज। लाइक कितना ही मस्त वाला लग रहा है यार, बारिश का मौसम टाइप का लग रहा है, तो इस मौसम में ना खाने का मजा ही कुछ और होता है गाइज, समोसा या फिर मोमोज या फिर कुछ भी जो होता है ना वो खाने का मजा ही होता है। ये देखो बादल, मतलब काफ़ी मस्त वाला सीन भी है और फिर अपने को खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से घर की ओर जा रहे हैं, लाइक इधर से अपन लोग घर जाएंगे। बारिश होगा गाइस, देखो ये अपना मोमोज बन रहा है, ये चार पांच पीस पैकेज हो चुका है, मक्खी भी लग रही है और फिर इधर ये बेल रहा है, विशाल बना रहा है मोमोज। ये देखो उधर चिकन है, ये चिकन मोमो बन रहा और फिर ये अपना चटनी के लिए हो रहा है, जुगाड़ है गाइस जुगाड़। तो अभी फाइनल अभी बना नहीं है, अभी तो सारा कुछ प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद स्टीम होगा गाइस, तो स्टीम अपन लोग इस थाली में करेंगे क्योंकि इसमें छेद कर चुके हैं, और ये भगोना इसे पानी डालेंगे और इसके ऊपर ये डालेंगे और फिर ऊपर से ढक देंगे। तो अपना मोमोज रेडी होने को तैयार हो चुका है, मतलब अभी बेला रहा है और फिर ये चटनी बनेगा। ये देखो ये चिकन का पेस्ट है और फिर यही चिकन का पेस्ट गाइस जिसमें पैक हो रहा है और फिर ये पैक हो के इधर रख रहा है। चलो अभी सारे लोग कंटिन्यू करते हैं, ये लो भाई चिकन का पेस्ट और गोल कर लो बेली में हमला भाई, जल्दी जल्दी करो खाने का मन कर रहा है, मिला नहीं तो रसोई से मिला नहीं। और फिर ये देखो गाइस इससे गिर रहा है और पानी चटनी से पूरा नीचे आ रहा है, बॉइल होने के बाद एकदम प्रोफेशनली तरीके से बना रहे हैं मोमोज, ऊपर ऊपर हाँ वही ऊपर से हो जाएगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा तो पलट के हो जाएगा, देखते हैं। फिर बड़ा थाली है ना, और भी बड़ा भी थाली है, ए थाली में तेल चला गया,
क्योंकि मोमोज चिपके ना, इसी कारण से इसमें तेल गया है और फिर यहाँ पे तेल भी गिर गया। अच्छा, और फिर ये मेरा कटा हुआ पाँव गाइस काफी भयानक वाला हो चुका है, अभी स्टीम नहीं हुआ, भाप नहीं निकला। हाँ तो ये देखो गाइस, ये मोमोज है, ऐसा शेप में मोमोज बना है। और फिर ये बंदा ये देखो कैसे कैसे बनाता है यार गाइस, मतलब ये देखो इसको लास्ट में चाकू से कटिंग करता है। थोड़ा छोटा है लेकिन प्यारा है मोमोज, इतना इतू सा भी मोमो सिर्फ रेडी हुआ है बनके, ये देखो। और अभी स्टीम होना बाकी है। उधर अपना चप्पल है, स्लीपर है, ओ फुदुकन, ये मंटू, ये अपना राहुल, और फिर ये है बनाने वाला विशाल, और मैं तो गाइस वीडियो बना रहा हूँ। ये इधर पैकिंग हो रहा है, पैकिंग का काफ़ी अच्छा सिस्टम है भाई, पैकिंग कर लो अच्छे से। एक बार पैकिंग दिखाते हैं कैसे पैकिंग करता है जो, ये देखो अब इसको कटिंग करेगा, ये अल्लाह देख रहा, ये देखो भाई, ये भाई अच्छा से हो गया पैकिंग। एक पूरा पैकिंग करके दिखाना प्रोसेस से, एकदम पैकिंग कर विशाल एकदम प्रोसेस से भाई। ये देखो ये लिया रोटी, ये उसमें डाला मसाला उसका, और अब इसको मस्त वाला पैक करेगा। मार्केट में तो चिकन वाला मोमो ज़्यादातर सोयाबीन कटिंग करके डाल देता है ना विशाल, बोलो ना भाई पैक, बोलो भाई बोलो बोलो, क्योंकि इसका नाम मोमोज का शॉप भी है दिल्ली में, मेरे को पता नहीं क्यों बता दे मोमोज का इसका शॉप भी है, तो ये भी बेचारा कभी कभी कर देता है। ओरिजिनल चिकन ये था ये, बट ओरिजिनल है पूरा भाई, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, सारा कुछ एकदम जेन्यून है, ओरिजिनल है। और फिर इसको खाने का मजा भी कुछ और होगा। तो ये कुछ इस प्रकार पैक हो चुका है, और अभी हमारा स्टीमर रेडी होने को तैयार है, मतलब अभी पानी खौला नहीं है यार, जल्दी से खौलेगा फिर अपना रेडी होगा। तो गाइस ये देखो अभी स्टीम के लिए सजाया जा रहा है, तो अभी इतना सजाया है, एक और दे दो, एक और दे दो सज जाएगा, एक और दो, ये सजा रहा है पूरा सज चुका है, एक दो ना यहाँ पे खाली है अभी, तो ये फाइनल ये भी सज चुका है। टोटल काउंट करो तो 15, 17 गाइस, एक और में स्टीम होगा, अभी स्टीम नहीं हो रहा, अब इसको हटाने के बाद ना ये जाएगा फिर ऊपर से कवर होगा। तो अभी देखो ये भाप निकल रहा था ना, अभी नहीं निकल रहा है, ढक दो वैसे ही। तो ये गाइस अपना देसी जुगाड़, नहीं तो वो थाली लगाना, वो थाली लगा दो वो बोली, ये बड़ा वाला। अब यहाँ पे स्टीम होगा, अपने को बार बार देखना पड़ेगा कितना मिनट पहला स्टीम लगता है, कितना छोटा छोटा सा गोला हो रहा है, और फिर ये मिलाया जा रहा है, और ये भी फर्स्ट स्टीम निकलने वाला है। तो अभी देखते हैं कैसा निकलता है मोमोज गाइस, और फिर टेस्ट भी कर लेंगे। तो गाइस ये फर्स्ट स्टीम उतरने वाला है, ये भाई हो चुका है, काफी भाप आ रहा है, हो गया विशाल, हो गया ना विशाल, इसका देखो ऊपर का कलर ही चेंज हो गया, पूरा कलर ही चेंज हो गया, और ये पानी कितना वाइट हो रहा है, ये करो आज कम कर दे, चलो भाई इसको ये कर दिए और इसको कवर कर दिया ये, और अभी पलटेगा, अरे वैसे ही डायरेक्ट पलट दो ना, हाँ पलट दो उसी से, क्या कर रहा है उसी पलटो ना, हाँ पलट दो, पलट दो पलट दो, बोड़ा पर तो रख दिया था भाई, किस पे तेल लगाया, किसी पे थाली में तेल लगाओ पहले, तो अभी इसमें तेल लगाएगा, हाथ में ले लेना थोड़ा सा ऐसे करके, हाथ से मेरे पन्नी से लगाया, पन्नी से पन्नी इसको, अरे भाई इसको छुड़ाना पड़ेगा, भाई हमें तो आता नहीं है बनाना, बट फिर भी सही है, ये देखो छुड़ाना पड़ रहा है, नहीं तो फिर चिपक जाएगा सारा मोमोज, ये लो ये भी है भाई, मतलब मजा आ गया यार, इसमें भी थोड़ा सा अपने को डालना ऑयल, हाथ से ही कर दो ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, जलन हो रहा है क्या, ठंडा है ना बस। सो अभी तो पानी पूरा खोल चुका है गाइस, ये दिखाते हैं, चढ़ाओ उसको, लगाओ ऊपर से। सो अभी इसको कवर से हटाते हैं, और फिर ये देखो वाइल्ड कितना हो चुका है, ये देखो अभी पहले वो जैसे उठा के रख सके, तो जैसे रख, अभी सर आना है अपने को, अरे भाई रुक जा, अरे तेल में पनियम तेल डाल दे थोड़ा सा, अरे यार पनियम दो बूंद डाल दो, ये अपन लोग सजा रहे हैं, इसको सजा रहे हैं, दो हो गया, तीन हो गया, ये चार हो गया, हो गया।
राहुल तुमको खाने के लिए नहीं मिलेगा अभी, तेल नहीं लगाया अच्छा राहुल। क्या तेल नहीं अच्छा से लगाया? और डाल देगा, देख ले सब देख कर डाल देना। चार कराट करवा रहा पूरा डालो, तेल में मिला दो इसका बेटी ना, मिला भी देते हो चिंची में दिया तो हमें दे, इसमें ज्यादा आटा है। ये भी हाफ स्टीम है, इसके बाद फुल स्टीम होगा, सारा स्टीम हो जाएगा ना हाफ स्टीम, उसके बाद लास्ट एक फाइनल स्टीम होगा सारा को मोमोज, उसके बाद अपन लोग खाएंगे, टेस्टी लगेगा क्योंकि अभी तो उतना टेस्टी नहीं लग रहा है। अभी चटनी में छोंक लग रहा है गाइस, क्योंकि काफ़ी टेस्टी होगा चटनी छोंक लगने के बाद। अपना मोमोज रेडी हो चुका है हाफ स्टीम, इसके बाद फुल स्टीम होगा इसमें डालने के बाद, और फिर ये चटनी रेडी होगा, फिर अपन लोग खाएंगे। डालो भाई पानी डालो, और ना अरे भाई इतना पतला चटनी करेगा अबे, और इतना पतला चटनी कैसे ना। तो ये देखो गाइस अरारोट पाउडर है, दूध मत समझना मिल्क, और अभी ये वाली छेक में डालने वाला, डाल दे भाई खोल चुका है, पूरा गाढ़ा हो जाएगा ना इससे, फिर हो गया, तू चला के देख लो बहन के, अगर खोल जाए तो अब गाढ़ा हो जाएगा खोलने के बाद, उसको ढाको मैं उसको चलाओ खोल लो। ये भाई ये तो गाढ़ा हो चुका है सही में पूरा यार, ये देखो यार बहन का इधर नहीं है, ये देखो काफी ज्यादा गाढ़ा हो चुका है पाउडर डलते के साथ गाढ़ा। चलो राहुल टेस्ट करेगा, उसके बाद हम लोग मोमोज खाएंगे। इतना भाई इतना चटनी में तो कम से कम 250-300 मोमोज खा देगा। ये मोमोज का चटनी हो चुका है रेडी यार, काफी ज्यादा तीखा लग रहा है, मैं तो टेस्ट कर लिया काफी ज्यादा तीखा लग रहा। और फिर ये मोमोज इधर, ये वाली हाफ स्टीम है, खाने में अच्छा लगा लेकिन बहुत तीखा है, उत्ता बच चुका है, और फिर इसमें फुल स्टीम होगा ये अपना स्टीमर, और फिर से स्टीम होगा ये अपना गैस चूल्हा, और फिर ये अपना गैस, और फिर ये चटनी। जब ये मोमोज रेडी हो चुका है, और फिर ट्राई कर रहा है राहुल मंटू और विशाल, कैसा कैसा टेस्ट है भाई, कैसा टेस्ट है मंटू? नमक नमक नहीं है, बाकी कैसा टेस्ट, कैसा टेस्ट, कैसा टेस्ट बता टेस्ट। अच्छा कच्चा है, बोले तो भाई अभी नहीं हुआ है पूरा स्टीम, अच्छा से नहीं हुआ है, बस मस्त है, कोई बात नहीं। फुदुकन करो, दे फुदुकन इधर, ले फुदुकन जल्दी उठा, अभी फुदुकन भी लिया, चटनी ले ला भाई, तू बता फुदुकन कैसा टेस्ट है, एक नंबर लग कैसा, एकदम मस्त। तो चलो अभी हम भी खाते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है। सो फाइनली गाइस अपन लोग मोमोज खा लिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस, इतना टेस्टी ना सोच नहीं सकते हो, लाइक पूरा बिहार शरीफ में ना गाइस कहीं भी इतना टेस्टी मोमोज नहीं मिलता होगा, सो इतना टेस्टी बना। और फिर अपना जो भी उसमें क्वांटिटी डाले थे गाइस काफ़ी मस्त वाला था एकदम, मतलब होता ना जो हाइजीनिक वाला चीज़ होता ना वही अपन लोग डाले थे, कोई भी ऊपर से इधर उधर का सामान नहीं, जो कि शॉप में डालते ना सारे लोग वो वाली नहीं था, सारा अपना एकदम ओरिजिनल सारा कुछ फ्रेश था गाइस। और इसी कारण से गाइस अपन लोग खाए काफ़ी सारा, मतलब टोटल ना बोलो तो गाइस 100 पीस बना था, 4 बंदे लोग खाए थे, 5 बंदे एक छोटा बच्चा था वो भी खाया, तो सोच लो यार 100 में मतलब 25 तो इतना सारा खा लिया ना, पेट काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। चटनी तो गाइस इतना टेस्टी बना था ना, फर्स्ट क्लास गाइस, बहुत मस्त चटनी भी था। तो अपन लोग खा लिए, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और आप लोग भी गाइस अगर बनाना चाहते हो मोमोज तो मेरे को कमेंट करके बताना, अपन लोग फुल डिटेल में एक टॉपिक लिख के आपको पोस्ट करेंगे गाइज। तो सोच रहे हैं कि वीडियो यहाँ पे एंड करें गाइज, क्योंकि अपने को नींद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा खा चुके ना तो पेट भी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है, सो सोच रहे अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करें गाइज। सो आई होप आप लोग ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज।